चलो बच्चों आज हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं, मुर्गी के तीन चूजे। कितने चूजे मुर्गी के? तीन चूजे। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। चित्र देख रहे हो ना सब लोग? कौन कौन दिख रहा है चित्र में? एक मुर्गी और तीन चूजे, ठीक है। एक, चलो कहानी शुरू करते हैं जल्दी से। एक मुर्गी थी, उसके तीन चूजे थे। मुर्गी बोली कुकड़ुक्कू, तीनों चूजे बोले ची ची ची। अच्छा बताओ, मुर्गी जो होती है वो सुबह कुकड़ुक्कू बोलती है ना? और मुर्गी के जो चूजे होते हैं वो भी कुकड़ुक्कू बोलते हैं? वो कैसे बोलते हैं? हाँ, वो ची 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 बोलते हैं। तो मुर्गी बोली कुकड़ुक्कू और चूजे कैसे बोले? ठीक। मुर्गी दीवार पर चढ़ी। मुर्गी कहाँ चढ़ी थी? वेरी गुड। तीनों चूजे भी दीवार पर चढ़ने लगे, लेकिन धम्म से गिर गए। अच्छा बताओ, चूजे दीवार से क्यों गिर गए? क्योंकि वो छोटे थे, मुर्गी बड़ी थी, वो आसानी से चढ़ी और ऊपर खड़ी हो गई, लेकिन चूजे ऊपर चढ़े और धम्म से गिर गए। देखो पिक्चर में दिख रहा है ना, चूजे गिर गए। ठीक। तीनों चूजे फिर से चढ़ने लगे। तीनों चूजे भी दीवार पर चढ़ गए। एक बार वो चूजे गिरे नीचे, दोबारा से उन्होंने कोशिश की और इस बार देखो तीनों चूजे दीवार पर आराम से खड़े हो गए हैं, गिरे नहीं नीचे, ठीक है। फिर दीवार से सड़क पर आकर पार करने लगे। छोटा चूजा पीछे रह गया। छोटा चूजा जो था वो पीछे रह गया। अच्छा बताओ, छोटा चूजा पीछे क्यों रह गया? क्योंकि वो छोटा था, वो धीरे धीरे चल रहा था तो वो पीछे रह गया। तभी एक मोटरसाइकिल आई। छोटा चूजा चिल्लाया। अच्छा बताओ, जब हम लोग पार करते हैं सड़क, बच्चे होते हैं तो सबसे पीछे कौन सा बच्चा होता है? बड़ा बच्चा रह जाता है कि छोटा बच्चा? क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है, और छोटा बच्चे के सामने अगर कोई गाड़ी अचानक से आके रुकेगी तो चिल्लाएगा ना वो? Yes, तो इसीलिए वो छोटा चूजा भी चिल्लाया, वो डर गया। वो क्यों चिल्लाया था? वो डर गया। मुर्गी बोली, देख कर चलो भाई। तीनों चूजे भी बोले, देख कर चलो भाई। अच्छा बताओ, मम्मी ने डांटा मोटरसाइकिल वाले को, तो चूजों ने क्या किया? चूजों ने क्या किया? उन्होंने भी डांटा ना, और डांट के क्या कहा उन्होंने? देख कर चलो भाई। मुर्गी आगे बढ़ गई, तीनों चूजे भी आगे बढ़ गए। वेरी गुड। अब बेटा ये कहानी खत्म हुई। इसमें हमने मुर्गी और चूजों के बारे में कहानी थी, ठीक है। ये इसमें अच्छा बताओ, जो इस कहानी है इसका मुख्य पात्र कौन था? मेन जो किरदार था, कैरेक्टर था, वो कौन था? मुर्गी। और मुर्गी के साथ कौन थे? तीन बच्चे थे। और बीच में एक और कौन सी गाड़ी आई थी? मोटरसाइकिल। अच्छा बताओ, हम लोग को सड़क कैसे पार करनी चाहिए? हाँ, दाएं बाएं देखकर हमको सड़क पार करनी चाहिए। तो ये आज की कहानी कैसी लगी सबको? चलो क्लैपिंग कर दो जल्दी से। बहुत अच्छा।